वेलकम बैक टू तो बैनल खुशामदे टू तो माई न्यू वीडियो क्या हाल चाल है आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे मजे में होंगे और जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से यहाँ पे बना रही थी ब्राउनी आज का कोशिश करूंगी आपके साथ फुल डे शेयर करने की और आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी मज़ा आने वाला है तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट पैक की ब्राउनी बना रही थी जो कि बस आपने मिक्स करना है इसमें पानी ऐड करना है थोड़ा सा वॉम वाटर ऐड कीजिएगा बहुत ज्यादा गर्म नहीं बिल्कुल नॉर्मल सा जो वॉम होता है वो ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स कुछ भी ऐड नहीं करना इसके बाद इसमें में दो चम्मच के अकॉर्डिंग मैंने ऑयल uh, ऐड किया है आप चाहो तो बटर भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैं ज़्यादातर कुकिंग ऑयल ही ऐड करती हूँ बस यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है मिक्सचर डाल दिया है और पानी के साथ इसे अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी जितनी हमारी ब्राउनी की होती है उसी तरह से इसे मैंने uh, बीटर से फेंट लिया आप चाहो तो बीटर में भी कर लो लेकिन मैंने फोक से ही कर लिया तो वो ईजिली हो गया यहाँ पर मैंने दो ट्रे लिया है ज़्यादा बड़े साइज के नहीं हैं इतने हैं कि आप इजिली जो है ना इसे एक टाइम में खा सकते हैं तो यहाँ पर बस इसे मैंने ना टैप टैप किया है और इसे बस फटाफट से ओवन में डाल दिया है ये बना लिया था जूस लेमन का तो उसे मैंने स्क्वीज करके लेमन का निकाल लिया था जूस तो मैंने कहा इसे मैं फ्रीज कर देती थी क्योंकि लेमन घर में होता तो ख़राब हो जाता है तो बस यहाँ पर यह देखें हमारे यहाँ आ गई थी एक नई गेस्ट जो कि मेरे घर से जाने के लिए तैयार तो नहीं है और ये माशाला से मेरी बालकनी में जो है ना एक मैंने जो पॉट में अपनी गार्लिक वगैरह लगाया हुआ था उसमें मुसलसल ये बैठी हुई है और ये बिल्कुल नहीं जाने के लिए और छोटे छोटे से थे। उसमें से ना इसके बच्चे भी हो गए हैं और अब इसने ना पूरी फैमिली को बुला लिया है और यहीं पर रहना शुरू कर दिया है अब मैंने ना इसमें अपनी बालकनी में नेट लगवाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मसला हो गया मशीन के नीचे मशीन के ऊपर हर जगह बैठी होती है और यहां पर हमजा जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक बना रहा था अपने लिए और ये बिल्कुल नॉर्मल सा वही जैसे हम लोग डेली रूटीन में बनाते हैं इसमें कोई क्रीम मैंने ऐड नहीं किया करवाया कुछ भी नहीं ओनली मिल्क और स्ट्रॉबेरी और साथ ही थोड़ी सी शुगर ऐड किया बस इसी में बना लेंगे इसमें एक वन ग्लास आराम से एक बच्चे का बन जाएगा तो बस यहाँ पर वो बना रहा था तो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम में आप भी ना इन्वॉल्व किया करें तो इससे क्या होगा आपके बच्चे थोड़ा सा ट्रेन भी हो जाएंगे और आपको भी मज़ा आएगा साथ साथ काम होता जाएगा और बच्चे भी ट्रेंड होते जाएंगे और यहां पर मैंने ना आज बनाना था लंच में भिंडी फ्राई और मैंने सोचा तो कि मैं इसमें मसाला लगा के रख देती हूँ क्योंकि भिंडियों में अगर आप थोड़ी देर पहले बेसन अगर आपने फ्राई करनी कुरकुरी वाली तो मैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ फुल रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है इसलिए मैंने इसकी फूड रेसिपी नहीं शूट किया क्योंकि एक ही रेसिपी बार बार डालो तो फायदा नहीं है तो मैंने सोचा मैं ये तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है तो यहां पर मैंने भिंडियों को ना अच्छी तरह से कट कर लिया था वॉश करके और इसमें रेड चिली पाउडर बेसन नमक और लेमन जूस अगर लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर सिरका और इसके अलावा चाट मसाला चाट मसाले के अलावा बस इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसे किसी भी पैन में आप जो है ना ऑयल गर्म करके मस्टर्ड ऑयल में बनाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बस इसके बाद पैन में गर्म करके और इसे फैला दें बस इसके वन डन होने के बाद दूसरा साइड फ्लिप करती जाए बस ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जाएगा बहुत सारे लोग इसमें डीप फ्राई भी करते हैं पर मैं डीप फ्राई नहीं करती क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो खाया नहीं जाता तो इस तरह से होता है लेकिन आप स्लो पर करेंगे ना तो बहुत अच्छी सी आपकी भिंडी रेडी हो जाएगी और यहाँ पर जो है ना मैंने किचन समेटना शुरू कर दिया था क्योंकि चीज़ें काफी फैल जाती हैं जब आप काम शुरू करते हो और साथ साथ अगर आप समेटते जाओ ना तो आपका काम हो जाएगा आसान तो कोशिश क्या करें जैसे जैसे आप काम करते जाए किचन को वाइंड अप करते जाए मेरी यही हमेशा से कोशिश होती है मैं इधर काम करती रहती इधर किचन समेटती रहती हूँ तो बस यहाँ पर भिंडियों को मैंने ना वन साइडेड कुक कर लिया था सेकेंड साइड पर भी मैंने बिल्कुल स्लो पर छोड़ दिया था अब आलू ले लिया था आलू की जो है ना बनाएंगे पैटीज जिसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत मजे की पैटीज बनती है आप इसे 15 डेज तक स्टोर भी कर सकते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होती इवन कभी कभी तो मुझे 20 डेज भी हो जाते हैं मैं स्टोर करके रख लेती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल के लिए अच्छा होता है इसमें लिया है प्याज हरा धनिया हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश से मसाले जाएंगे ग्रीन वाले तो बस इसे अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूंगी और उसके बाद इसमें कुछ मसाले जो एड करूंगी वो आपको दिखाती चलूंगी क्या क्या ऐड किया है अच्छा बराबर क्वांटिटी में मैंने आलू लिया है बराबर क्वांटिटी में मैंने चिकन लिया है दोनों तो को मिक्स करके पैटीज बनाऊंगी अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप आलू की भी बना सकते हो उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तो क्या होता था जब हम लोग ना पहले जब आ, हमारी जो अम्मी बना तो बनाया करती थी तो वो आलू के कबाब बनाया करती थी तो उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता था लेकिन अब क्या होता है कि बच्चों को अगर थोड़ा सा चिकन उसमें आप ऐड करते दे उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और हेल्दी भी है तो बस इस तरह से आप एक अच्छा ऑप्शन रहता है टिफिन में देने के लिए लंच बॉक्सेज में क्योंकि हम डेली बेसिस पे बच्चों को क्या दें ये भी एक मसला होता है तो मैं कुछ चीज़ें बना के रखती हूँ जैसे शामी कबाब है और ये पैटीज़ है और चिकन की जो क्यूब्स वगैरह जो कट करके मसाले लगा के रख लेते हैं उसे हाफ कुक कर लेती हूँ रोटी में लपेट के देने के लिए तो इससे क्या होता है हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम का टाइम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी जाता है तो यहाँ पर आलूओं को ठंडा करने के बाद मैंने ना इसे अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया था कोशिश क्या करें जब आलू आप बॉईल करें ना तो थोड़ी देर के लिए उसे ना फ्रिज में जरूर रखें उससे क्या होगा कि आपका जो आलू है ना बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा सोते नहीं होगा बिल्कुल सही रहेगा और बहुत टाइम तक के लिए आप इसे बिल्कुल सेट रहेगा तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इसे ना आलुओं को बॉयल करने के बाद फौरन ही उसमें बनाने लगते हैं तो वो गर्म गर्म तो वो खराब हो जाता है या आप साथ ही ऐड कर दिया था चिकन दोनों बराबर क्वांटिटी में लिया था मसाले ऐड कर लेंगे मसाले में मैंने बहुत सिंपल से मसाले ऐड किए हैं आप अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप बेशक कर लें तो यहाँ पर मैंने ये कुटा मसाला ऐड किया है जिसमें जीरा धनिया और मिर्च है जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि ये मेरा सीक्रेट मसाला है तो ये वही मसाला है जो कि आप लोगों को दिखाया था साथ ही ऐड करते थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद ऐड कर दिया धनिया पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा साथ ही जाएगा सॉल्ट और अमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद आप मसाले में पेपरिका भी बहुत सारे लोग ऐड करते हैं लेकिन मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे इस पैटीज में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती साथ ही सॉल्ट मुझे कम लग रहा था वो भी ऐड कर दिया और अपने सारे हरे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए ठीक है जी अब क्या करना है इसे कर लेना है मिक्स बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छा इसे ग्लव्स पहन के मैंने मिक्स किया क्योंकि हाथों में काफ़ी चिली हरी वाली ना बहुत ज़्यादा लगती है तो इसके बाद मैंने एक ट्रे लिया है उसमें मैंने ना सारी पैटीज को बना के स्टोर कर लिया है और कुछ मैंने जो फ्राई करनी थी वो निकाल लिया और कोशिश मेरी यही होती है कि एवरी वीक हो सके तो कर लेती हूँ नहीं तो फिर 15 डेज़ की मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ वो मेरे लिए आसान होता है तो ये वीडियो ना आपके लिए इसलिए मैंने फुल रेसिपी बनाई क्योंकि आप लोग जो है ना जितनी मदर्स हैं उनके लिए तो लंच बॉक्स तो देना ही देना है तो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है आप बना के स्टोर कर सकते हो अच्छा इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास वेजेस आपके बच्चे वेजेस नहीं खाते तो आप वेजेस इसमें ढेर सारी क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो चिकन आलू और वेजेस का बहुत अच्छी पैटीज़ बन जाती है लेकिन मेरे बच्चे वेजेस खा लेते इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया और मेरे पास बहुत ज़्यादा थी भी नहीं कुछ ही थी तो मैंने ऐड नहीं किया मैंने कहा बच्चे तो इस तरह से भी खा ही लेते हैं तो यहाँ पर मैंने प्लेट में रख दिया और इसे अच्छी तरह से कर लूँगी फ्रीज़र में रख दूंगी और ये फ्रीज हो जाएगा फ्रीज होने के बाद इसे जिप लॉक बैग में रख के आराम से इसे फिफ्टीन डेज तक आप स्टोर कर सकते हैं तो

मैंने मैंने पैन लिया उसमें मैंने सारी पैटीज को जो देखें देखें फ्रीज फ्रीज हुई हुई थी फ्रीज के बाद इसका आप आप लुक देखें, कितना जबरदस्त हुआ है अब, अब इसे अगर महीने भर भी रखोगे ना तो ये बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है तो बस यहाँ पर इसे मैंने फ्लिप करके अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे और बस इंजॉय करें बच्चों को लिए बनाएं खुद के लिए बनाए शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छी चीज़ है ये तो बस अब मैं लंच लगाऊंगी और यहाँ पर मेरा काम हो गया था डन आपसे बादशाह भी हो गई काम भी हो गया बहुत अच्छा लगता है कि अगर ना बंदा साथ साथ सारी चीजें चलती रहती हैं तो जी वीडियो को यहीं पे एंड करती उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक देना मत भूला करें आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है अपना खूब सारा ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिस